इस वीडियो में सांत्वना देने या फिर उसको एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ कि ये घटना किस तरीके से घटित हुई है, क्योंकि हर यूट्यूबर जो ये घटना को बता रहे हैं कि हाँ इस तरीके से घटित हुई, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसके लिए सरकार न्यूज़ चैनल खुद ही बनाई है, वो लोग कह रहे हैं, उस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि हर शहर के अंदर जो जुलूस उठाया जा रहा है, जो इतने लोग एकत्रित होके कैंडल जला रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो पैसे वाले लोग एसपी, डीएसपी, डीएम और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंच होने के बावजूद रिक्वेस्ट करने से अच्छा है कि उस पर सज़ा सुनाने के लिए प्रेशर करना चाहिए, दिनों रात प्रेशर करनी चाहिए कि हाँ उसको सज़ा सुनाएं और जल्दी से जल्दी सज़ा सुनाएं। उस पर इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक हो चुके हैं और हम लोग अभी उसकी सुनवाई ही कर रहे हैं, उस बंदे की सुनवाई जिसने रेप किया हुआ है, उस बंदे की सुनवाई जो कि एक आम और एक फालतू सा आदमी है, जो कि कुछ ऐसा भी नहीं है कि हाँ यार वो बहुत बड़ा अधिकारी था, उससे गलती हुई, नहीं, गलती किसी से भी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग को प्रेशर देना चाहिए, ना कि जुलूस और कैंडल निकालना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर इनको इंक्लूड हैं कि हाँ उनको भी प्रेशर करना चाहिए, वहाँ के लोगों से प्रेशर करना चाहिए, वहाँ के जेल के लोगों से प्रेशर करना चाहिए, हमारी पुलिसकर्मी को भी उस पर प्रेशर करना चाहिए कि हाँ किस तरीके से उसको सज़ा सुना कर जल्दी से जल्दी ये मामला को ख़त्म करें और ऐसा कठिन सज़ा सुनाएं कि आगने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। खैर सबक कभी मिलता है नहीं है मेरे भाई लोग, लेकिन क्या करा जाए, ये सिलसिला है ना ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, ना ख़त्म हुआ था ना होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना ज़रूर है, आपको भी हमको भी।